एक्चुअली उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है और सो रोशिल यू वांट टू डिस्क्लोज और स्टिल इट्स अ सरप्राइज हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फाज में और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज अ ट्रैवल व्लॉग और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है वो लोग मुझे नहीं बता रहे हैं कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं एक्चुअली उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है और अब हम जा रहे हैं घूमने आज है 28 सितंबर और कल है मेरा बर्थडे इट्स 29 सितंबर तो मैं मिलवाती हूँ आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशल से हाय अब आप पूछोगे इसको चोट कैसे लगी तो ये कुछ नहीं हुआ घर पर ही फिसल गया था और एक इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है तो ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नेक्स्ट वीक तक इसका जो ये प्लास्टर है ये रिमूव हो जाएगा फाइन चलिए मेरे हस्बैंड से मिल लीजिए उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल जैसे अल्पा ने बोला अब उसका बर्थडे सेलिब्रेट का टाइम है तो सरप्राइज तो बनता है तो हमारे बेटे ने और मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है देखते हैं अल्पा को पसंद आता है या नहीं आता है लेकिन हमारा प्लान जो है वो है बड़ा ही रोमांचक और सरप्राइज देने वाला गिफ्ट इससे अच्छा गिफ्ट तो खैर नहीं हो सकता सो रोशिल यू वांट टू डिस्क्लोज और स्टिल इट्स अ सरप्राइज सरप्राइज आई थिंक बेटर है बिकॉज सरप्राइज में जो मजा है वो उस दूसरे में तो है ही नहीं सो गाइस आवर ट्रिप स्टार्टेड नाउ एंड वी आर ऑन द वे सो लेट्स गेट स्टार्टेड थैंक यू ऑल वी विल अपडेट यू मुझे नहीं बता रहे हैं ये मुझसे पैकिंग करा लिया और उसको किडनैप कर लिया अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं मैं आपको रस्ते में अपडेट करती रहूंगी कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं स्टे ट्यून तो गाइज ये शुरू हो चुका है हमारा सफ़र एंड हम यहाँ जा रहे थे तो ये रूट से मैं फैमिलियर थी क्योंकि हम करनाल और अम्बाला काफ़ी जाते रहते हैं तो मुझे लगा कि पंकज या तो मुझको शिमला प्लान किया है ले जाने के लिए या फिर मुझे चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं तो लेकिन जब मैं वहाँ पर अम्बाला तक पहुँची तब मैंने उनको बोला मैंने कहा देखो भाई अगर शिमला लेके जाने का प्लान है देन आई एम नॉट रेडी क्योंकि जिस जगह पर मैं ऑलरेडी गई हुई हूँ मुझे वहाँ नहीं जाना एंड आई वॉज श्योर कि अमृतसर तो नहीं जाएंगे हम इतनी दूर कार से नहीं जाएंगे राइट तो ये पहुंच चुके हैं हम अम्बाला और अम्बाला जाके मुझे पंकज कहते हैं कि नहीं तुम वेट करो और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं हमने रास्ते में खूब मस्ती करी थोड़े से ग्लिम्स आप भी देख लीजिए यहाँ पर जब हम पहुँचे तो लिखा हुआ था कि पंचकूला 8 किलोमीटर्स एंड शिमला 108 तब मुझे जाकर पंकज ने बताया कि हम जा रहे हैं पंचकूला से 35 किलोमीटर्स आगे एक जगह है दैट इज़ कॉल्ड मोरनी हिल्स इसके बारे में मैंने नहीं सुना था पहले एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड आल्सो कि चलो नई जगह है और मुझे किसी भी एक्चुअली भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना था तो मैं चाहती थी कि हम किसी शांत जगह पर जाएँ और हमारा ये जो जर्नी थी वो हमने 6 आवर्स में पूरी की है एंड ये जो जगह थी ना ये बहुत अच्छी थी काफ़ी ग्रीनरी थी वहाँ पर एंड सीरियसली वी इंजॉयड अ लॉट बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री और बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पर सीरियसली बता रही हूँ अब आप देखो ये मोरनी हिल्स से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप ये कुछ होटल्स रिजॉर्ट्स और देख पा रहे होंगे जहाँ पर लोग होम स्टे करने आते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी शांत है एंड जिसको भीड़ भाड़ से दूर आना है वो यहाँ पर आना बहुत पसंद करता है और हमारा जो फार्म था ना वो DM फार्म्स में हम रुके थे एंड दैट वाज 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मोरनी हिल्स मतलब हम और भी ऊपर गए तो काफ़ी अच्छा रास्ता था एंड सीरियसली वी इंजॉयड अ लॉट गाइस आप व्यूज़ देख रहे हो इतने अच्छे व्यूज़ थे ना यहाँ पर
सीरियसली मन कर रहा था कि गाड़ी रोकें और रास्ते में ही यहाँ रुक जाएं। बहुत प्यारी जगह थी, काफ़ी हम ऊपर आ गए थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल बादलों के पास हैं और यहाँ से माउंटेन्स भी हमें दिख रहे थे, इतनी ग्रीनरी थी। सीरियसली बहुत अच्छी साइट सीन्स थे यहाँ पर, सीरियसली। तो ये अब हम एंट्री कर चुके हैं मोरनी हिल्स में और आप देखो कि रास्ता काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप लाइक अभी कभी भी हिल स्टेशन पर नहीं गए हो तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ शार्प कर्व्स भी थे यहाँ पर। बट पंकज काफ़ी दूर दूर तक ड्राइव करके गए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं तो आप ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। देखा कितनी शांति लग रही है ना यहाँ पर, और देखो आप यहाँ पर लोग बाइक से भी आ रहे हैं, और वो हमें बता रहे थे जो हमारे फार्म हाउस पर जो केयर टेकर थे ना, उन्होंने हमें बताया कि लोग जो चंडीगढ़ और पंचकूला से तो वीकेंड्स पर बाइक से भी आ जाते हैं। लाइक दे ट्रूली इंजॉयड दिस एरिया एंड दे रियली वॉन्ट टू विजिट हेयर। तो एक्चुअली ये हमारा 2 दिन का स्टे था वहाँ पर, एंड जिस जगह पर हम रुके थे वो जगह पर जाने के लिए जो 300 मीटर का रास्ता था ना, वो काफ़ी कच्चा था। उसकी भी क्लिप मैंने आगे ऐड की हुई है, और सीरियसली बता रही हूँ कि हम डर गए थे लिटरली कि हम यहाँ कहाँ आ गए, और क्योंकि वो काफ़ी नैरो था एंड कच्चा था, तो सीरियसली वहाँ गाड़ी ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो बट लेकिन जब वहाँ पहुँचे ना तो सीरियसली लगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर आना वर्थ इट है, एंड बहुत ही अच्छा लगा। आगे देखो आप, तो गाइज फाइनली मुझे पता चल चुका है कि मैं कहाँ आई हूँ। हम आए हैं मोरनी हिल्स, जो कि चंडीगढ़ से 55 किलोमीटर आगे है, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं और वी आर जस्ट अबाउट टू रीच आर रिजॉर्ट, एंड मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि वो कैसा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, काफ़ी शांति वाली जगह थी और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। चलो देखते हैं आगे। Rushal, are you excited? Yep. How oh. Location? Location तो अच्छी है, काफी शांति है, मस्त लग रहा है। अब आगे जाके देखते हैं कि हमारे रूम एंड हमारा रिजॉर्ट कैसा है। Stay tuned. तो गाइज ये है वो कच्चा रास्ता जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर हमें सच में बहुत डर लगा था, लेकिन हम जल्दी पहुँच गए थे, एंड वहाँ अंदर जाके जब उन्हें रिजॉर्ट दिखा, उसके कॉटेज के रूम्स देखे, हमें बहुत मज़ा आया, एंड इट वॉज रियली वर्थ इट। तो ये था मेरे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट, और अब आप नेक्स्ट पार्ट देखोगे इस वीडियो का, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ओके? क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्माइल।